वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन मेडिकल टेट के जीके सेक्शन को। इससे पहले एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 121 का सही विकल्प होगा विकल्प बी 3 जून 2018 को। तो यहाँ पर बी सही विकल्प होना था, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको गलत बता दिया था। प्रश्न संख्या 138 थी, इसमें पूछा गया था तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे। तो मैंने गलती से विकल्प ए सही बता दिया था। ए सही नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1959। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला 1959 में आए थे। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी 1953 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी मुरारजी देसाई के द्वारा। 141 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो जो अरब सागर है यहाँ पर गिरती है नर्मदा नदी। 142 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 143, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो दीनदयाल बंदरगाह है ये आपके गुजरात में स्थित होगा। 143 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 144 पूछा गया है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च केस में भारत का वायसराय कौन था? तो 144 का सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 144 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 145 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है पानी की कमी के कारण। 146 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बी वी गिरी। 147 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 148 क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था तो ये किया गया था 1997। 147 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 149, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 149 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 150, विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? यहाँ पर थोड़ा मुझे संशय है, इसमें मुझे लगता है या तो इसका डी होगा या तो सी, इन दोनों में से एक इसका सही विकल्प होगा। आप लोग इसका उत्तर अवश्य बताइएगा, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन था यहाँ पर 122, धर्मघाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए था तो वो था विकल्प बी शिमला, ठीक है। 122 का सही विकल्प बी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में किस नदी को परशुनी के नाम से जाना जाता था? तो ये होगा 123 का सही विकल्प रावी। 123 का सही विकल्प सी होगा, रावी को वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, 124 इसमें पूछा गया है, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो जो उदयपुर है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल स्पीति में, इसका पुराना नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होना चाहिए विकल्प ए मरकुल। 124 का सही विकल्प ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 125 इसमें पूछा गया है, चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने किया था? तो जो चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किया गया था तो ये उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया था। 125 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो ये की गई थी 1995 में। 126 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 127, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा अशोक कुमार गुप्ता।
127 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128, इसमें पूछा गया है महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होगा तो ये होगा विकल्प ए 1098, ठीक है ना। 128 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129, इसमें पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प सी होना चाहिए, पर इसे हम पेंडिंग में रख देते हैं। सी मेरे अनुसार सही होना चाहिए, पर जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके कन्फर्म उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व डाक दिवस 2021 की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे 2021। तो यहाँ पर होगा विकल्प सी इनोवेट टू रिकवर। 130 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो एनसीसी का हेडक्वार्टर हो जाएगा ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। 131 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है 132, पूछा गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में बनाई गई है। तो ये बनाई गई है कृष्णा नदी पे। 132 का सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 133, इसमें पूछा गया है इनमें से किसे भारत की मिसाइल लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है टेसी थॉमस को। 133 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। 134 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 135, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये होगा अनुच्छेद 360, ठीक है। 135 का सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 136, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय स्थित होगा बार मेमोरियल, तो ये धर्मशाला में होगा, ठीक है। 136 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 137, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 25 जनवरी 1971 को। 137 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 138, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे। तो ये आए थे 1969 में। यहाँ पर 138 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 139, इसमें पूछा गया है कमरूनाग झील मंडी जिले के किस तहसील में आती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो कमरूनाग झील है ये कहाँ पर है, ये मंडी में है। और मंडी के किस उप तहसील में है ये, या तहसील में, तो ये हो जाएगी चचियोट। 139 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा।